गाना तुमने बनाया? देख चुप कर जाओ, खामोश रहो, तुमसे नहीं पूछा। जी अभी मैंने बनाया। कैसा बना है? खास नहीं है, बस ठीक ही है। अरे खाना तो मैं बनाती हूँ कि खाने वाला उंगलियां ही चबा जाए। अच्छा अपनी या आपकी? बेवकूफ लड़की, ऐसे मिसाल दी जाती है। अरे कुत्ते बिल्ली थोड़ी है जो सचमुच में उंगलियां चबा डाले। सॉरी। बहुत मजेदार खाना बनाया है बहू ने भाई, जादू है हमारी बहू के हाथ में। थैंक यू अब्बू। ये तुम्हारी अम्मी नहीं आई खाने पर? वो डॉक्टर ने परहेज करने का कहा है ना, तो वो ये सब कुछ नहीं खा सकती। अरे तो इसमें क्या बात है, कम से कम यहाँ के बैठ के खाना तो खा सकती है, भले अपना परहेजी गाना गाए। ऐसे भी खानदानी लोगों के तौर तरीके ना अलग ही होते हैं। खैर अम्मी वॉशरूम है ना। चुप कर जाओ, तुम चुप कर जाओ, एक और लफ्ज नहीं बोलना तुम। या कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी बीवी से सवाल जवाब कर रही हूँ? नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है। वो आप लोगों ने कुछ सही से लिया नहीं ना, ये नहीं। बस जहर लगते मुझे ऐसे मेहमान नवाज, जो मेहमान नवाजी के नाम पे ना मेहमानों की प्लेटें भर देते हैं खाने से। अरे कोई भूखे मगरमच्छ है जो पूरा हिरन हड़प कर जाएंगे? जितना पेट है इंसान उतना ही खाएगा ना, जबरदस्ती थोड़ी खाएंगे भाई। हम तो खाएंगे क्योंकि बहू ने इतने प्यार से बनाया है और प्लेट में डाला है। आए पकाओ, दो दो है। बहुत चार समाज है, जबरदस्त, बहुत ज्यादा। वैसे बेगम, आपने कुछ ठीक नहीं किया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? खाना इतना बुरा नहीं था जितना आपने नाराजगी का इजहार कर दिया। गुस्सा मुझे खाने पर नहीं था, बल्कि गुस्सा मुझे उन लोगों की हरकतों पर था। कैसी हरकतें? अरे ये कौन से तौर तरीके हैं? उस लड़की ने अपनी माँ का सही तरह से तारुफ ही नहीं कराया हम लोगों से। बेगम वो बता तो रही थी कि वो बीमार है। बीमार है, मर तो नहीं गई ना, कम से कम खाने के लिए तो आ ही सकती थी और आके बैठ जाती हमारे साथ। बहू कह रही थी कि उन्हें भूलने की बीमारी है, तो हो सकता है वो खाना खाना भूल गई हो। आपकी फीस क्या है? कैसी फीस? वकालत की। हम भला किसकी वकालत करें? तो खामखा उस लड़की की ना झूठी वकालत करना बंद कर दे, उसकी और उसकी माँ की। अरे वो लड़की थोड़ी है, वो तो हमारी बहू है। और आप माने ना माने, लड़के के हिसाब से अपने हमें लड़की अच्छी मिल गई। बस बस, ये बहू की शान में कसीदे पढ़ना बंद कर दे। अरे देखा नहीं किस मिजाज की लड़की है वो, हर बात का जवाब उसकी जबान की नोक पे रहता है। और आपकी जो खामखा की तारीफें है ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे हमारे सर पे चढ़ा दे और वो फिर हमारे सर पे चढ़कर डिस्को करे। अरे बेगम तो आप भी भंगड़ा डाल दीजिएगा, आप कम है किसी से? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सच सच बताएं, आपको बहू अच्छी नहीं लगी क्या? बात अच्छी लगने की या बुरी लगने की नहीं है, मुझे तो लगता है कि मामला कुछ बड़ा अजीब सा है। क्या मतलब? ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं, घबराए हुए रहते हैं, नजरें मिला के कोई बात ही नहीं करता है। बेगम जाहिर है, बगैर इजाजत के छुप छुपा कर शादी की है, तो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो होगी ना? शर्मिंदगी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, उल्टा ढिटाई थी। वैसे आपकी क्या फीस है? मजाक उड़ा रहे हैं ना आप मेरा? अरे नहीं नहीं हमारी ये मजाल आपका मजाक उड़ाए, हम तो बस इतना कह रहे थे कि आप कुछ जरूरत से ज्यादा शक नहीं करें। शाही साहब, जब चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो ना, तो दिल में शक आ ही जाता है। मेरी छठी हिस कह रही है कि बात कुछ और है और मैं पता लगा के रहूंगी। कहते ना, अब जरा
चाय तो बनवा के लेकर आए, सर में शरीर दर्द है मेरे। जी सरकार, चाय बनवा कर लाते हैं। देखिए रमजान स्पेशल सीरियल रफ्ता रफ्ता, हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।